नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एली गार्डनिंग में। मैं हूं आपका दोस्त लोकुश गुप्ता। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं, देखिए, सदाबहार का प्लांट। ये हमारे मित्र रवि ने दिया था और ये कल लाया है, दिया है मुझे प्लांट। और देखिए, इसकी रूट बाउंड हो गई थी और प्लांट की स्थिति देखिए, इसमें पत्तियाँ छोटी छोटी आ रही थी, फूल कम आ रहे थे, तो लाके मुझे दे दिया है। इसको देखिए, हमने निकाल लिया है। इसमें देखिए रूट्स वगैरह आपको दिख रही हैं। और आज सिंपली हम इसको दूसरे जो है देखिए छोटे से पॉट में इसको लगाएंगे और इसमें कुछ खाद वगैरह भी ऐड करेंगे कि कौन सी खाद दे रहे हैं इसमें। और इसका रिजल्ट भी दोस्तों हम बाद में दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि प्लांट की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इतनी मिट्टी ले ली है क्योंकि छोटे से पॉट में लगाना है, तो इतनी मिट्टी काफ़ी है दोस्तों। बाकी हमने और मिट्टी अलग कर दी है, तो इतनी मिट्टी ले लिया है। इसमें गोबर की खाद थोड़ा सा ऐड किया था, पहले से ही ऐड है। इसमें देख रहे हैं ये सब गोबर की खाद ऐड है पहले से ही। और इसमें कुछ रासायनिक फर्टिलाइज़र मिलाएंगे, तो उसके लिए हमने यूरिया लिया है, डाइमोनियम फॉस्फेट लिया है और पोटाश लिया है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालेंगे इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों हम यूरिया डालेंगे, तो यूरिया की मात्रा कम डालेंगे क्योंकि प्लांट के जो है जलने का डर ज़्यादा रहता है कि ज़्यादा पड़ने से वो सूख जाता है। तो यूरिया डाल दिया। उसके बाद दोस्तों हम सिंपली इसमें DAP डालेंगे। ये देखिए DAP डालने से दोस्तों रूट्स बनने में जो सहायता मिलेगी इसकी। तो DAP डाल दिया है और हम इसमें पोटाश थोड़ा सा, ये देखिए हमने पोटाश डाल दिया है। और सिंपली अब इसमें वो मिक्स कर लेंगे। दोस्तों आप इसमें जो है ऑर्गेनिक खाद में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब ऐड कर सकते हैं। हम इसमें रासायनिक खाद मिला रहे हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, हमने मिट्टी मिक्स कर ली और हमारी मिट्टी मिलकर तैयार है दोस्तों। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, हमने ये पॉट ले लिया है और चूँकि छोटा पॉट लिया है और इसी में हम अपने सदाबहार के प्लांट को लगाएंगे। दोस्तों ये हमारा सफ़ेद सदाबहार है, तो इसके लिए सिंपली हम मिट्टी को भर ले रहे हैं। देख रहे हैं, ऐसे ही दोस्तों रख लेंगे। और हमेशा प्लांट को सेंटर में रख के लगाते हैं, तो सेंटर में रख लिया है दोस्तों और मिट्टी को ऊपर से दबा देंगे और चारों तरफ से मिट्टी को भर देंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये प्लांट लग के तैयार हो गया है और मिट्टी को हमने प्लांट के चारों ओर से दबा दिया है ताकि जो है प्लांट हमारा हिले नहीं, क्योंकि मिट्टी भुरभुरी रहती है तो पानी डालने के बाद प्लांट हमारा गिर जाता है। इसीलिए चारों तरफ कायदे से प्लांट को हमने दबा दिया है और ये हमारा प्लांट लग के तैयार है दोस्तों। अब इसमें सिंपली वाटरिंग कर देंगे। तो वाटरिंग कर दे रहे हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमने वाटरिंग कर दिया है, ये हमारा प्लांट लग के तैयार है। ऐसे आप भी दोस्तों रासायनिक खाद मिला के अपना प्लांट लगा सकते हैं, कोई भी प्लांट हो। तो ये हमारा दोस्तों सदाबहार का प्लांट लग के तैयार है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल एली गार्डनिंग को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए
नमस्कार।